दूसरे मैच में बारिश बनी बवाल, टॉस में भी देरी, दो बार घटे ओवर, मैच रद्द हुआ। लेकिन इसी बीच सूर्या को मैजिक देखने को मिला। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में आखिर क्या हुआ। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रहे हैं। मैच रद्द होने के कारण अब भारत 3 मैच की श्रृंखला जीत ही नहीं सकता, लेकिन अंतिम मुकाबले में जीत के साथ श्रृंखला बराबर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरे मैच में बारिश के कारण टॉस लगभग 15 मिनट देरी से हुआ, लेकिन मैच समय पर शुरू हुआ। आसमान में छाए बादलों के बीच न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गिल और कप्तान शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने 5 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बनाए थे। तभी बारिश आ गई और लगभग 4 घंटे तक खेल रुका रहा। खेल दोबारा शुरू होने पर मैच को 29 ओवर का कर दिया। भारत ने खेल दोबारा शुरू होने पर दूसरी ही गेंद पर शिखर धवन ने विकेट गंवा दिए, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पर भेजा गया। सूर्य कुमार यादव इन दिनों कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वनडे फॉर्मेट में भले ही वो अपना जादू न बिखेर पाए हो, लेकिन बारिश की वजह से जब ओवर घटाए गए और सूर्या को नंबर 3 पर भेजा गया, तब उन्होंने अपना कमाल दिखाया। सूर्य कुमार यादव ने 25 बॉल में 34 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 कमाल के छक्के शामिल है। सूर्या के वनडे रिकॉर्ड के देखे तो 15 मैच में 378 रन बना चुके हैं। उनका औसत करीब 36 का होता है। सूर्या शुरू में जुझते दिखे, लेकिन फिर अपने ही अंदाज में उन्होंने बैटिंग की और कमाल के शॉट्स लगाए। जब सूर्या और गिल तेजी से रन बटोर रहे थे, तब बारिश ने फिर से खलल डाल दी। अंपायर्स ने बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इस तरह न्यूजीलैंड दौरे की एक और मैच बारिश ने धो डाला। अभी तक इस दौरे के 5 मैच में से 3 मैच बारिश धो चुके हैं। रविवार को अधिकतर समय बारिश होती रही और मैदान गीला रहा, जिसके कारण 2 बार मैच शुरू होने के बावजूद सिर्फ 15.5 ओवर का ही खेल हो पाया, जिसमें भारत ने 1 विकेट पर 89 रन बनाई। दूसरी बार मैच नहीं हो पाया। दोस्तों आपको क्या लगता है, सूर्या वनडे में दोहरा शतक जर सकता है? नीचे कमेंट पे अपनी कीमती राय जरूर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।